नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां पूरी जोर शोर से इस चुनाव में लगी हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा में तमाम सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष जी, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, अब आप हरियाणा में भी आप दावा कर रहे हैं, तो हरियाणा में कितनी संभावनाएं? हरियाणा में पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली और पंजाब से खूब ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे लोग नौकरियां करने आते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और उन्होंने देखा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जब लोगों ने मौका दिया तो किस तरह से यहाँ के स्कूल बदले, अस्पताल बदले, यहाँ के लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं, नौकरियाँ लगी हैं, ये सारी चीज़ें हरियाणा के लोगों ने खुद देखा है जी। और यही चीज़ें अब उन्होंने देखा कि चलो एक राज्य में हो सकता था, उनके दूसरे बाजू में पंजाब में सरकार है, पंजाब में भी सरकार बन गई और वो भी ऐसे ही कर रही है, वहाँ भी सरकारी स्कूल अच्छे होने लगे, वहाँ भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जा रही, वहाँ भी अब अस्पताल अच्छे होने लगे, नौकरियों पर नौकरियाँ दिए जा रहे हैं मान साहब। तो ये उनको भी लग रहा है, हरियाणा के लोगों को भी, कि ये राज्य सरकार कर सकती है अगर केजरीवाल जी के गाइडेंस में चले। तो हरियाणा में किससे लड़ाई आप मानते हैं अपनी? हरियाणा में अभी किसी से लड़ाई नहीं है, बस ये जो मुद्दा है ना कि सरकार तो बनाएंगे लेकिन स्कूल नहीं बनवाएंगे, सरकार तो बनाएंगे लेकिन अस्पताल नहीं बनवाएंगे, इस राजनीति से लड़ाई है हमारी। और ये राजनीति अक्रॉस चल रही है, तो हमारी लड़ाई तो इस बात से है, जनता इसको देख रही है जी। लेकिन मनीष भाई, ये बताइए कि गठबंधन की बात चल रही थी आपकी कांग्रेस से, क्योंकि खैर अब तो नामांकन भी खत्म हो गए, लेकिन देश भी ये जानना चाहता है कि बात क्यों नहीं बनी, क्योंकि आप लोग गठबंधन की बात कर रहे थे। देखिए, बात बनने नहीं बनने का मसला नहीं है, बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से सरकार चली है, लोगों ने मौका दिया, उन्होंने ना शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे, महंगाई करते रहे और लड़ाते रहे लोगों को, फिर भी लोगों ने 5 साल बाद फिर से मौका दिया कि चलो कुछ और देखते हैं। 10 साल में जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अभी हरियाणा के जनमानस में एकदम गुस्सा है बीजेपी के प्रति कि इनको हटाना है। अब इनको हटाने के लिए जब हमने वहाँ देखा तो हमें लगा कि अगर मिलके भी हटाने की जरूरत है तो मिलके हटा सकते हैं, पर कोशिश की गई, उसके लिए जेन्युइन कोशिश की गई, नई बात बनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के हर एक विधानसभा में हमारा संगठन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया? नहीं, बड़ा दिल और छोटा दिल अब किसी का नहीं है, बस बात नहीं बनी। हम लोग दिल है दिल है, बड़ा या छोटा कुछ नहीं, दिल तो दिल ही होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारा मकसद कांग्रेस से गठबंधन करना या इससे गठबंधन करना उससे नहीं है, हमारा मकसद एक ही है कि भाई दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया, वहां पे ऐसे काम हुए, पंजाब के लोगों ने मौका दिया, वहां पे ऐसे काम हुए, आज हरियाणा के भी लोग हमें मौका देंगे और उसी तरह के उसी तर्ज पर काम होंगे जैसे यहाँ पे हुए, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, महिलाओं को लेके, बिजली को लेके, केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियां हैं उसको लेके हम पहले से, ये गठबंधन की बातें तो अभी हुई, उसको लेके हम पहले से जा रहे थे लोगों के बीच और बहुत अच्छे से लोगों को लग रहा है कि यार आप लोग करके दिखा सकते हो। लेकिन मनीष जी, आपको ये नहीं लगता कि आप भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो जो वोट है वो वोट कटेंगे, यानी बीजेपी को भी फायदा नहीं मिलेगा परोक्ष रूप से इसका? देखिए, जब भी कोई पार्टी नई पैर जमाती है तो हमेशा उसके ऊपर ये तोहमत लगती है, हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे हमको यही कहा गया, हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे हमको यही कहा गया, तो ठीक है, हम इस तोहमत के बावजूद चुनाव लड़ रहे हैं और देखिएगा लोग इस तोहमत के बावजूद सरकार बनवाएंगे आम आदमी पार्टी की। दावा करें आप सरकार बनाने का? बिल्कुल बनवाएंगे लोग, यही देखिए दिल्ली में भी इसी आश्चर्य से लोग कहते थे, दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में सरकार बना लेंगे, सरकार बनी, आप दावा कर रहे हैं पंजाब में सरकार बना लेंगे, पंजाब में सरकार बनी और शानदार चल रही है और कर रही है, हम ये सरकार बनाने के दावे से ऊपर उठ के कर रहे हैं, हम 5 साल हरियाणा में खूब स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटियां हैं, केजरीवाल जी की, ये हमने दी इसलिए क्योंकि हरियाणा में एक माहौल है। लेकिन मनीष जी, ये भी कहा गया कि जिस तरह से अभी पिछले दौर में जो जेल यात्राएं हुई आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की, उसके बाद हरियाणा में जिस तरह से आप लोग अपना संगठन खड़ा करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, अरविंद केजरीवाल जी जिनके चेहरे का बहुत बड़ा फायदा आपको हरियाणा में हो सकता था, वो भी जेल में है। देखिए, केजरीवाल जी भी अब जेल में नहीं है, मान के चलिए आने वाले हैं, और कब तक आने वाले हैं? कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे का या कुछ मिनट बाकी है, कुछ मिनट कुछ घंटे का मसला है, आपकी ये वाली जो लाइन है बदल जाएगी, अब जेल में है। हरियाणा में
जिस तरह से लोग, मैं जा रहा हूँ अब, मैं भी खुद भी गया हूँ पिछले दिनों में, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह अब ये सेंटीमेंट है कि यार ये लोग ना दिल्ली में काम कर रहे थे इसलिए इनको जेल में डाला, ये लोग काम करते हैं, गलत कर रहे थे इनके साथ। तो बीजेपी के प्रति जो हरियाणा में कुशासन का गुस्सा है, साथ साथ केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल उनको कहते हैं, वो हरियाणा वाले लोग एक अलग इमोशनल कनेक्ट उनके साथ में महसूस करते हैं, वो भी लोगों में गुस्सा है कि यार हरियाणा के एक लड़का जाके दिल्ली में सीएम बना, काम कर रहा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया बीजेपी वालों ने, इसको लेके उनके मन में और गुस्सा है बीजेपी के प्रति। तो आप तो ये कह रहे हैं कि देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल और केजरीवाल भी हरियाणा में, केजरीवाल भी हरियाणा के लाल हैं। और हरियाणा देखिए, उन्होंने जो किया बाकी लोगों ने उनका हरियाणा के लोगों को पता है, साथ साथ लोगों को यह भी पता है कि यार ये लड़का दिल्ली में गया था, आईआईटी गया, आईआरएस बना, वो ठीक है, बहुत लोग अलग, हर आईआरएस आईएएस कहीं ना कहीं से होता है, लेकिन दिल्ली में आके जिस तरह से लोगों के काम किए, अब लोगों को लग रहा है ये आदमी तो अगर हमारे पंजाब में करना शुरू कर दिया उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनकी गाइडेंस में, तो उनको लग रहा है इसकी गाइडेंस अगर हमारी सरकारों को मिलेगी तो क्या होगा। मनीष भाई, ये बताइए कि आप लोग नारा भी लगाते हैं अक्सर, जब आपकी भी रिहाई हुई हम लोग देखते थे कि जेल के ताले टूटेंगे, क्या केजरीवाल आज छूटेंगे? केजरीवाल जी आश्वस्त है? आप पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस झूठा था, ये तो हम पहले से कह ही रहे हैं, लेकिन अब तो सीनियर मतलब देश के सुप्रीम लेवल के कोर्ट्स में भी ये बात साबित होने लगी है कि ये केवल और केवल केजरीवाल जी को या विपक्ष के लोगों को जेल में रखने के लिए सारा ताना बाना बुना गया था, और एक एक करके इसकी ईंट धड़क रही है, आज इसकी एक तरह से इस वाले केस की आखिरी ईंट धड़क जाएगी। तो मनीष जी, आप दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जी कुछ देर में जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर हरियाणा में प्रचार भी करेंगे? ऑफ कोर्स हरियाणा में प्रचार करेंगे, वो हरियाणा का उनसे लगाव है, उनका हरियाणा से लगाव है और एक इमोशनल कनेक्ट है, और लोगों में मैं जब जितना मैं गया हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, बाकी कार्यकर्ता और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो हैं ही, कि लोग वहाँ गली मोहल्लों में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया, ये तो हरियाणा वाले इसको थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे लड़के को तुमने जबरदस्ती झूठे केस में जेल डाला ना, अब हम तुमको बताएंगे, आओ जरा। केजरीवाल जी, देखिए अगर केजरीवाल जी की आपने बात की मनीष जी, लेकिन जैसे दिल्ली की अगर बात करें, चाहे सरकारी नौकरियां हो, पूरा सिस्टम हो, मतलब दिल्ली के जो सिस्टम है उसमें हरियाणा की बहुत ज्यादा भागीदारी है, क्योंकि आधा हरियाणा दिल्ली काम करने आता है, शाम को फिर हरियाणा चला जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा? इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, एक बड़ा हिस्सा, आधा है नहीं है कितना है, पर एक बड़ा हिस्सा इधर आता है, एक बड़ा हिस्सा पंजाब भी जाता है नौकरियां करने, और दोनों जगह वो देख रहे हैं। ये जो डबल दिख रहा है ना लोगों को कि यार चलो दिल्ली में था, दिल्ली के बारे में कहते हैं जी, और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन फिर पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में भी वही करने लगे, तो हरियाणा में तो होंगे ही वो सारे काम जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, इसलिए लोगों का भरोसा अब आम आदमी पार्टी पे हो रहा है, बीजेपी को उनको हटाना है इसलिए, और लग रहा है कि अब ठीक है इलेक्शन आ गया, तो अब इलेक्शन जो है केवल सरकार हटाना है, बीजेपी को हटाने का इलेक्शन नहीं है, ये स्कूल बनवाने का इलेक्शन है, ये अस्पताल बनवाने का इलेक्शन है, ये बिजली के बिल जीरो करने का इलेक्शन है उनके लिए। खैर, स्कूल की बात आप बार बार करते हैं और आपके दिल के करीब भी है ये विषय, दिल्ली का उदाहरण भी सामने है, लेकिन ये बताइए कि आप हरियाणा में आपका चेहरा कौन होगा? पंजाब में चेहरा था, दिल्ली में चेहरा था, हरियाणा में कौन चेहरा होगा? हरियाणा में भी बहुत लीडर्स हैं हमारे पास, और अब आएंगे केजरीवाल जी तो और चीज़ें स्पष्ट होंगी, आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे थे केजरीवाल जी का। तो मनीष भाई, ये आप भी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हो गए कि केजरीवाल जी आएंगे वो ये तय करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे वो वही तय करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे तो वो सब तय करेंगे? तो किसी पार्टी में किसी लीडर के, अपने लीडर की बात फॉलो करना, उनकी तरफ देखना, उनसे लीडरशिप की अपेक्षा करना गलत है ही नहीं, हम तो नहीं कहते कोई दूसरी पार्टी गलत करती है। नहीं, आप कहते हैं दूसरी पार्टी की यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, दूसरी पार्टियों में नहीं नहीं, लीडरशिप के लिए ऊपर अपने लीडर की तरफ देखो, दिक्कत क्या है? हम तो नहीं कहते बीजेपी मोदी जी की तरफ क्यों देखती है, देखे डेमोक्रेसी सरकार में कम ना करें, अपनी पार्टी में डिक्टेटरशिप रखें, अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी रखें, वो उनकी हेडेक है। जब देश में कम करते हैं, जब संविधान के खिलाफ काम करते हैं तब प्रॉब्लम है, जब संविधान के तहत दी गई डेमोक्रेसी को वो क्रश करते हैं तब प्रॉब्लम है, अपनी पार्टी में मत रखो डेमोक्रेसी, हमको क्या पड़ी है। तो मनीष जी, ये माने कि केजरीवाल जी बाहर अगर आते हैं तो उसके बाद हरियाणा का चेहरा आप घोषित कर देंगे बीच चुनाव में? नहीं, चेहरा घोषित करेंगे या नहीं करेंगे, चेहरे कौन हो सकते हैं हरियाणा में एक अच्छी लीडरशिप, क्योंकि मैं भी अंदर था जेल में, केजरीवाल जी भी अंदर थे, संजय भाई को भी अंदर किया, पार्टी का एक हिस्सा उधर स्ट्रगल करता रहा इन सारी लीगल बैटल्स में और पॉलिटिकल बैटल्स में,
तो अभी उस दिशा में ना हमने कोई सोचा है ना इस तरह का कोई डिसीजन लिया है, पर जिस तरह की ग्राउंड से फीडबैक मिल रही है और खासतौर से अब अरविंद जी को लेकर जो सेंटिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि अरविंद जी आएंगे तो कुछ ना कुछ लोगों का कनेक्ट और बढ़ेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और जो लोगों के अंदर सेंटिमेंट है कि नहीं नहीं गलत कर रखा था इस आदमी के साथ, वो सब ठीक होगा, तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। केजरीवाल जी के आने से तो और चीज़ें बढ़ेंगी। जी मनीष जी, एक आप लोगों का जो कैंपेन करने का तरीका, एक एग्रेसिव तरीके से आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, मैं हम लोग एबीपी न्यूज़ में हरियाणा लगातार कवर कर रहे हैं, हर खबर दिखा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी का वो अग्रेशन आपका उस कैंपेन में नहीं दिख रहा है जो हमने पंजाब में देखा, जो हम दिल्ली में देखते हैं। नहीं, हमारी टीमें लगातार देखिए काम कर रही हैं, करीब एक डेढ़ साल से तो हमारी पार्टी के सारे लीडर्स जो हरियाणा देख रहे हैं वो 24 घंटे हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, और आज हरियाणा की हर एक विधानसभा में, हर एक मोहल्ले में हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और सपोर्टर तो हर जगह है ही हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एग्रेशन नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे और चुनाव के 25 दिन रह गए हैं, जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा और चीज़ें निकल के आएंगी। ये तो आप पंजाब में भी आज देख रहे हैं कि पंजाब में हमने ये किया, लेकिन पंजाब में चुनाव से 10 दिन पहले क्या किया और 20 दिन पहले क्या किया, वो सारी चीज़ें आज दिखती हैं तो एक बैग में दिखती हैं। मनीष जी, मैं हरियाणा पर बात कर रहा था, आज हम हरियाणा पर ही बात करें, लेकिन एक और सवाल जिससे पहले भी मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ लेकिन आज फिर पूछूंगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, देखिए महत्वाकांक्षाएं नेताओं में होती हैं और उन्हें भी चाहिए राजनीति है, तो कई तरह की खबरें कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में नहीं बन रही है, क्या होगा, कैसे होगा, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आप सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं नहीं, पार्टी में आपके और भी तो नेता हैं, किसी और को भी तो कोई चेहरा हो सकता था। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता था जी, लेकिन अगर ये हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को एक शॉर्ट रेसिपी मिलने वाली थी कि भाई चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बयान चाहिए तो किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में डालो, 6 महीने उसको जेल में रखो, बोलो बेटा तेरे को जमानत चाहिए, तू मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल, और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले उसको तो निकाल दो बाहर, और मुख्यमंत्री को पकड़ के अंदर डाल दो, बोलो तेरे खिलाफ किसी आदमी का बयान है हमारे पास, उसको 6 महीने जेल में रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, आप कोर्ट में भी ध्वस्त होती चली जा रही है कि आप गलत करते हो, किसी आदमी को जेल में डालते हो, फिर उससे कहते हो फलाने आदमी के खिलाफ बोल, वो बोल देता है तो आप फलाने आदमी को उठा लेते हो, तो ये वाली चीज एस्टेब्लिश ना हो, इसलिए जरूरी था कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें और मुख्यमंत्री के रूप में वहां से काम करें, वहां अपने मंत्रियों को इंस्ट्रक्ट करें, तो मंत्री मिलने जाते हैं, उनको वहां से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। तो सुनीता केजरीवाल जी भी हरियाणा में करेंगी प्रचार पार्टी के लिए? अभी तो कर रही हैं, अब आज के बाद से उनकी भूमिका क्या होगी वो अब देखा जाएगा। तो सुनीता केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की नेता है या क्या है? वो हमारे सबसे सीनियर, सबसे लोकप्रिय, सर्वमान्य लीडर और जो मुख्यमंत्री जी भी हैं उनकी पत्नी है, और हमें बहुत गर्व है कि जब वो जेल में रहे केजरीवाल जी तो उनके मैसेज को जनता में बहुत सलीके से और सटीक तरीके से सुनीता भाभी ने रखा, सुनीता जी ने रखा, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। तो चर्चा तो उस वक्त ये थी कि ये बात तो कोई और भी रख सकता था, सुनीता केजरीवाल ही क्यों? सुनीता, अब सुनीता जी नहीं रखती तो कहते सुनीता जी भी रख सकती थी और क्यों। तो ये तो इफ एंड बट तो हमेशा रहेंगे, पर जिस तरह से केजरीवाल जी की बात को उन्होंने रखा, मुझे लगता है कि कोई और रख रहा होता तो शायद उतने सलीके से, उतने तरीके से नहीं रख पाता, और बहुत शानदार तरीके से केजरीवाल जी के मैसेज को, केजरीवाल जी की आवाज़ को उन्होंने दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, जहां जहां जैसे जरूरत पड़ी बहुत शानदार तरीके से रखा है। मनीष जी, ये बताइए कि अक्सर आपकी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि साहब हमें भी ऑफर आया बीजेपी से, आपके बारे में भी कई चर्चा, तो अब ये ऑफर आना बंद हो गए अभी भी? नहीं, अब तो सब अभी भी संभावनाएं आप में दिखती हैं बीजेपी को? देखिए, जब तक बेल नहीं मिली थी तब तक उनकी भी बहुत कोशिश थी कि इसको तोड़ लो, पर अब बेल मिल गई तो उनको भी समझ में आया जब ये अंदर रह के नहीं टूटा तो बाहर रह के क्या टूटेगा, तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि अब, कम से कम अब तो उनको समझ जाना चाहिए कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जी की टीम के लोग हैं, ये किसी और ही मिट्टी से बने, ये महत्वाकांक्षा की मिट्टी से मिलने के नहीं बने, कि या डर की मिट्टी से, ना ये डरते हैं ना किसी महत्वाकांक्षा में रहते हैं, इनका एक ही सपना है कि जिस मकसद के लिए राजनीति में आए, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, महिला सुरक्षा, ये सब, महंगाई रोकना, इन सब के लिए काम करते हैं, दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है, हरियाणा में भी करके दिखाएंगे, लोग इस पर अब भरोसा कर रहे हैं और इस चक्कर में जाते नहीं है कि यार ये मंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये टूट फूट में हमारे यहाँ होती नहीं है उस तरह से। मनीष जी, आबकारी नीति की मैं बात करूँ जिसमें, जिससे पूरा बवाल शुरू हुआ, फिर मैं हरियाणा पे आऊंगा, चर्चा के आखिरी दौर में हूँ,
क्या आपको कभी मलाल नहीं होता कि ऐसी नीति को लाने की जरूरत ही क्या थी जिसको वापस भी ले लिया बाद में? अच्छे से स्कूल बना रहे थे, सब ठीक हो रहा था, लेकिन आपकारी नीति में बदलाव किया जिसे बाद में वापस भी लिया, वापस भी लिया आपने। नहीं, वो तो हर साल एक नीति बनती है और हर साल एक नीति वापस होती है जी। सारे देश में हर राज्य यही करता है कि एक साल हर नीति बनाता है, फिर अगले साल नई नीति बनाता है, नई नीति बनाता है। वही नीति ऑलमोस्ट पंजाब में भी चल रही है और पंजाब सरकार को उससे बहुत फायदे हो रहे हैं, पंजाब सरकार के रेवेन्यू बढ़ रहा है। दिल्ली में उसको लागू नहीं होने दिया गया क्योंकि एलजी साहब ने बार बार पहले पॉलिसी पास की, फिर उसमें चेंज कराए, फिर से पास की, तो एलजी साहब ने अपने वो करते रहे, चेंज करते रहे। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो गर्व है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाई। जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसमें बाधा आएंगी, इसमें भी आई। मैं स्कूल बनवा रहा था उसमें भी मेरे खिलाफ जांच हो रही है, मैं और कोई काम कर रहा था एलजी को बीजेपी को उसमें भी जांच कराने के लिए सपने आते हैं, तो कराते रहे सपने। मैंने गलत नहीं किया, मैं डरता नहीं, मुझे अफसोस तब होता अगर मैंने गलत किया होता। मनीष जी ये बताइए, देखिए राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए चंदे की जरूरत होती है, सबको पता है, लेकिन आप लोग जब राजनीति में, और लोग भी आपकी तरफ देखते हैं, बड़े सारे युवा जो पॉलिटिक्स में आने की सोचते हैं, पैसा कितनी कितनी बड़ी जरूरत है राजनीति की? जरा हम आम बोलचाल की भाषा में बताइए। आम बोलचाल की भाषा में पैसा तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये कहूंगा कि जब आप क्रेडिबिलिटी के साथ जनता के सामने खड़े होते हैं तो जनता पैसा देती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता से लेके और बहुत बड़े बड़े लोग तक पैसा लेके काम करते हैं, आम आदमी पार्टी में वो काम हमारे वॉलंटियर्स फ्री करते हैं, अपने घर से चने लाके कैंपेन करते हैं। पैसा तो जनता भी देती है, उद्योगपति भी देते हैं, सब पार्टियों को देते हैं, सब देते हैं। लेकिन दो तरीके हैं पैसे लेने के, एक तरीका है, लेकिन आप लोग फिर दो तीन उद्योगपतियों के नाम लेके घेरते हैं बीजेपी को। बिल्कुल, मैं सबके ले ले रहा हूं, आप टाइम दीजिए, लिस्ट दे देता हूं मैं जी। मैं दो तरीके हैं चंदा लेने के। एक तरीका तो यह है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करो और उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उनको नोटिस दो और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लो। ये हमने देखा, सार्वजनिक है, और मतलब 8,000 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से वसूला है ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा दिलवा के। एक तरीका यह है, एक तरीका यह है कि आप अच्छे काम करो, अच्छे स्कूल बनाओ, एक सपना जो लोग देखते हैं उसको करो, उसको पूरा करो, तो जनता, आम जनता चंदा देती है, व्यापारी भी चंदा देता है। एक व्यापारी इसलिए चंदा देता है, उसको लगता है मेरे लिए एक हैसल फ्री गवर्नेंस चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, अच्छा है, मेरे से वसूली नहीं कर रहे इंस्पेक्टर राज से लेकर नेताओं का वसूली राज नहीं चल रहा। फिर जब चुनाव आता है तो वो खुद आगे आके कहता है साहब आप चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए हमको, लोग ऐसे देते हैं चंदा, किसी को वैसे देते हैं भाई, और कुछ नहीं किया, चलो ईडी का नोटिस भेज दिया, लाओ जी चंदा दे दो 100 करोड़ रुपए। हम वैसे नहीं करते, चंदा सबको चाहिए, किसी को 8,000 करोड़ रुपए चाहिए, किसी का 80 करोड़ में काम हो जाता है, अंतर इतना ही है जी। और जो पार्टी विद डिफरेंस कभी बीजेपी भी अपने लिए कहती थी, आप लोग आजकल अपने लिए कहते हैं, तो ये डिफरेंस बरकरार रहेगा या वैसे कोई बड़ा अंतर आपको लगता है आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बच गया है? एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारी पार्टी की जब सरकार बनती है तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम ईमानदारी से स्कूल अस्पताल बनवाने पे काम करते हैं, बिजली महंगी ना हो, महिलाओं के लिए इशू ना बने, सुरक्षा वगैरह, नौकरियां निकलें, हम इस पे काम करते हैं। बाकी पार्टियां करती नहीं दिखती, ये आप भी देख रहे हैं। मनीष भाई, इस सब चर्चा से इतर एक सवाल है मेरा, उसके बाद आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए हमेशा एक चर्चा है देश में कि MLA विधायक इनकी तनख्वाह वेतन भत्ते इसको लेकर, जब आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, मैं तब से कवर कर रहा हूँ आप लोगों को देख रहा हूँ, तो आप लोगों का भी दावा था कि साहब गाड़ी नहीं लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे, लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जरूरी है, जब आप इतने बड़ा सिस्टम आप चलाएंगे, इस पूरी व्यवस्था को चलाने, इन सब चीज़ों की जरूरत है। लेकिन आज भी देश में इसको लेकर एक बहस है कि साहब एक MLA की सैलरी इतनी क्यों होती है, एक मंत्री की सैलरी इतनी क्यों होती है, इस पर क्या राय है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि आप नई तरह की राजनीति की बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है और हम पहले दिन से स्पष्ट थे, ये अब हमसे हर तरह की जो चीज़ें हमने नहीं की वो भी लाके कह दी जाती हैं, आपने ऐसा बोला ऐसा बोला। हमारा सिंपल है, जितनी ज़रूरतें एक MLA को अपने खर्चा चलाने के लिए, दफ्तर चलाने के लिए, अपने इलाके में घूमने के लिए चाहिए, अपने परिवार चलाने के लिए चाहिए, उसको उतना देना चाहिए आज के दौर में। बाकी जो हवाई चीज़ें हैं उसके ऊपर सब कुछ सारी सरकार को लुटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या सब कुछ उसके लिए उपलब्ध हो जाए, फ्री हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। जो एक आम आदमी को अपने परिवार चलाने के लिए और MLA जैसा काम करने के लिए, 50 लोग आते हैं आपके पास में किसी भी समय, दिन में 200 लोग आते हैं, उनको बैठाने की जगह, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन इससे ऊपर आप केवल और केवल एक लग्जरियस लाइफ, 5-स्टार लाइफ के लिए किसी MLA को देते हो, वो गलत है। तो दिल्ली में जब हमने इस पर काम किया, देखा MLA को 12,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी,
और शायद ही मान लिया गया होता होगा यार 12,000 रुपए के अलावा तो एमएलए बहुत कमाता होगा, वो कमा ही लेगा। हमने कहा साहब कुछ कमाएगा नहीं, 12,000 को ठीक करके 50,000 कर दो। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो हमने किया जी। मनीष जी आखिर में अब ये बताइए कि हरियाणा के लिए क्या क्या फ्री के वादे आप करने वाले हैं, लोग क्योंकि आपके घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी कुछ ही देर में बाहर भी आने वाले हैं, तो क्या घोषणा पत्र भी वही जारी करेंगे? नहीं देखिए हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही, क्योंकि उससे पहले तो चुनाव में देख ही रहे थे, वो तैयारियां करवा रहे थे, 5 गारंटियां केजरीवाल जी ने पहले से दी हुई हैं। और वो मैं पहले तो इस पर टिप्पणी करूंगा, ये फ्री के वादे नहीं है, जनता की मेहनत की कमाई से होने वाली चीजें हैं जिसको बाकी पार्टियां बाकी सरकारें अपने ऐश में उड़ाती हैं, फर्जी चीजों में उड़ाती हैं। हम कह रहे हैं उसको जनता के ऊपर खर्च करेंगे, तो फ्री नहीं है। हाँ, मैंने बोल के किया फ्री, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ही कहा जाता है कि आप लोग फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री। तो जनता की मेहनत की कमाई का जो टैक्स आता है उस टैक्स को हम एक्चुअली शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, इलाज पे खर्च करना चाहते हैं। तो सारे सरकारी स्कूल शानदार करके और हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने देने का, ये हमारे केजरीवाल जी की गारंटी है। दूसरी गारंटी केजरीवाल जी की है कि वहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी और 200 यूनिट तक बिजली के बिल नहीं आएंगे, ये दूसरी गारंटी है उनकी। इसी तरह से 5 गारंटियां हैं महिलाओं के लिए है कि 1,000 रुपये का उनको हर महीने का भत्ता मिलेगा, क्योंकि उनको घर का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिजली पानी स्कूल अस्पताल, युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, जितनी नौकरियां पड़ी हुई हैं सारी भरी जाएंगी और भी नए नए अवसर दिए जाएंगे। और व्यापारियों के लिए भी ईमानदारी से काम करा जाएगा, एक नई तरह की गवर्नेंस, व्यापारी जो दिल्ली और पंजाब में देखा टैक्स कम रख के लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े, उस तरह की गवर्नेंस। तो 5 गारंटियां केजरीवाल जी की हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप पूरा पॉलिटिकल कल्चर आप हरियाणा का बदलेंगे? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल कल्चर गवर्नेंस कल्चर है। लोगों को अपेक्षा होती है यार सरकार है, हर चीज में कुछ ले दे के काम होगा, कोई कुछ लेने देने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से काम होगा। खैर आप पॉलिटिकल कल्चर बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो इतिहास है हरियाणा का, हरियाणा के किसान ने अपनी मेहनत से एग्रीकल्चर को तो बदला है लेकिन पॉलिटिकल कल्चर अभी तक नहीं बदल पाया। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे और हरियाणा में प्रचार करेंगे और बीजेपी के पसीने छुड़ाएंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। तो बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन जारी है। थैंक यू।